सो गाइस अभी हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ है वीवो का, और आप अगर स्क्रीन पर देखेंगे तो इसमें अभी पैटर्न लॉक लगा हुआ है, पासवर्ड लॉक, और ये पासवर्ड हमें नहीं पता है, कस्टमर भी भूल चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास कोई भी फ़ोन आ रहा है तो सबसे पहले देख लेना है फ़ोन का मॉडल क्या है। तो ये जो फ़ोन है इसका मॉडल है वीवो Y1S, और वीवो का ये Y1S है। तो इसके अंदर जो CPU लगा है वो MediaTek का CPU लगा है। तो MediaTek के लिए हम आपको पता ही है कि QC Fire नहीं ओपन करेंगे हम, इसमें MTK ओपन करेंगे जो कि हमारा UMTK का एक टूल है। MTK अभी हम वर्जन यूज कर रहे हैं 4.9, यहाँ पे MTK 4.9 का यूज कर लेना है। और इसमें आपको सिंपल सा वन क्लिक में ही अनलॉकिंग रहता है, तीनों मेथड को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देना है। और देन उसके बाद से आपको क्या करना है कि वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों बटनों को दबाना है एक साथ, और एक साथ दोनों को दबा के और केबल इंसर्ट कर देना है। जैसे आप केबल इंसर्ट करेंगे यहाँ पे हमारा पोर्ट बन जाएगा, देखिए MediaTek का पोर्ट बन गया और ideal मोड में हमारा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है और हमारे फ़ोन की अनलॉकिंग चालू हो गई है। तो आपको ध्यान रहे कभी भी आप फ़ोन अनलॉकिंग कर रहे हैं तो सबसे कस्टमर से वेरीफिकेशन कर लें कि उस फ़ोन उसका है कि नहीं, इससे क्या है कि आप भी सेफ रहोगे और अच्छा भी रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन की अनलॉकिंग हो चुकी है और सक्सेसफुली दोनों दिखा रहा है, इरिजिंग यूज़र डाटा और FRP वगैरह सब कुछ हट चुका है। और अब आपको क्या करना है, सिंपली फ़ोन को ऑन कर लेना है। बहुत ही कम समय में हमने इसका फ़ोन को अनलॉकिंग कर लिया। अब आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना जल्दी और कितना अच्छा सिस्टम रखे हो, उसमें व्यवस्था कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लॉकिंग अनलॉकिंग कैसे कर रहे हो। अब जैसे अभी फ़ोन खुलने में थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके पास जो PC है उसमें सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आप रखोगे तो आपको कोई सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि आपका फ़ोन जो कनेक्ट होता है कंप्यूटर से, उसके लिए एक USB ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, उसमें वीवो USB ड्राइवर आता है, MediaTek USB ड्राइवर आता है, स्पेक्ट्रम का आता है। तो जैसे ये MediaTek इसका जो CPU है MediaTek का है, तो आपको MTK का अगर CPU है तो MediaTek का ही USB ड्राइवर एक डाउनलोड कर लेना है। MTK और MediaTek अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका दोनों का मतलब एक ही हुआ, तो आप कन्फ्यूज ना होइएगा। तो MediaTek का CPU है तो MediaTek का USB ड्राइवर पहले से इंस्टॉल करके रखना है आपको। ये QC Fire का एप्लीकेशन जो हमने अभी खोला है MTK 4.9 वर्जन, इसको भी आपको इंस्टॉल करके रखना है। जैसे ही कस्टमर आए आपको क्या करना है, तुरंत इसको खोलना है, यहाँ पे तीनों से लेकर के फॉर्मेट कर देना है फ़ोन को स्विच ऑफ करके। तो बहुत ही ईजी कंडीशन में आपका काम हो जाएगा और मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट में ही आपका पूरा फ़ोन रेडी होकर तैयार हो जाएगा। अब जैसे फ़ोन को खुलने में मुश्किल से मुझे लगता है कि हमने कस्टमर फ़ोन हमें दिए, हमने उसको अनलॉकिंग में लगाया, कंप्यूटर खोला, अपना एंटीवायरस बंद किया, क्योंकि देखिए एंटीवायरस चालू रहेगा तो क्या होता है कई बार एंटीवायरस इस चीज़ को हटा देता है। तो एंटीवायरस को कभी भी सॉफ्टवेयर काम करना है तो बंद करके करना है अगर आपका फ़ोन कंप्यूटर में एंटीवायरस है तो उसके बाद से आप कुछ भी कर सकते हैं आराम से। और उसके बाद से आपको क्या करना है, फ़ोन को बंद करके स्विच ऑफ करके फटाक से देख लेना उसमें CPU कौन सा लगा है। सबसे ज़रूरी होता है फ़ोन का मॉडल जानना और उसके अंदर जो चिपसेट लगा है उसे जानना, और अगर क्वालकॉम का फ़ोन है तो उसका हमको जानना रहता है कि उसमें ideal पॉइंट कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा फ़ोन खुल चुका है। अब आपको सिंपली सा अपना कंट्री लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करके स्किप नेक्स्ट करके और फ़ोन को खोल लेना है। जैसे फ़ोन नया खरीदते समय स्टार्टिंग में आप सेटअप वगैरह करते हो, इसका सेटअप करने के बाद से आपको कोई भी FRP पासवर्ड वगैरह नहीं मांगेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ अभी हट चुका है। जैसा कि आपने फर्स्ट में ही देखा था इस फ़ोन में एक पासवर्ड मांग रहा था, और पासवर्ड अगर हम तोड़ भी देते तो उसके बाद से FRP मांगता जो कि ईमेल आईडी होता है। तो अभी हमारा दोनों ही टूट चुका है तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्किप नेक्स्ट करना है और आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने स्किप नेक्स्ट करके ही फ़ोन को बहुत सारे चीज़ों को सेटिंग कर लिए और बस अब आपका फ़ोन ऑन होने ही वाला है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से हम किसी भी फ़ोन की अनलॉकिंग वगैरह करते हैं। आपको भी अगर अनलॉकिंग सीखना है तो हमारे चैनल पर जाके देखिए, बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, आप सभी वीडियो को देख कर सीख सकते हैं कि अनलॉकिंग कैसे करना है। और UMTK का पूरा सेटअप अगर जानना चाहते हैं A to Z कैसे अनलॉकिंग का काम शुरू से स्टार्टिंग से करते हैं, हम कुछ भी आपको नहीं पता है तो आप उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और हमारे आई बटन पर भी लिंक दिया हुआ है। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।